इतना बढ़िया लग रहा है ना कि शाम के टाइम भी देखिए सनसेट का टाइम हो गया है और ये मैडम देखिए कहाँ जाके बैठी है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग ले से निकल रहे हैं और जा रहे हैं टुवर्ड्स कारगिल। सो अभी सब सामान वामान सब पैक हो गया है। आज हम लोगों ने क्या किया आज बताओ? शॉपिंग की है, एक्सचेंज की है। यस, और फॉर्च्यूनर वाले सारे लोग डस्टर में चले गए हैं, बस एक दिन चेंज इसलिए। सो टाइम टू से गुड बाय टू द होटल, बाय बाय बाय। और अब हम निकल रहे हैं कारगिल के लिए, चलो। टाइम टू से गुड बाय टू ले, आखिरी बार देख लो यार ये सारे सीनिक ब्यूटी, अब नहीं देखने मिलेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंटिल वी मीट अगेन। मेरा तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी ले से निकलने का। बट डोंट वरी, हमारे पास एक और बेटर डेस्टिनेशन है अभी। यस yes. एक नहीं दो है, दूसरी पता चल जाएगी। सो कैसे लग रहा है आकाश फॉर्च्यूनर ड्राइव करके? यार बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब कंपेयर टू डस्टर ये बहुत ही ऊंची गाड़ी है, हाथी है, बट मस्त लग रहा है ड्राइव करके। और उल्टा ये ऑटोमेटिक है, हमारी डस्टर जो है मैनुअल है। सो बट तूने बहुत जल्दी ग्रास्प कर लिया, विद इन सेकंड्स यू वाज लाइक एएस चला रहे जैसे चलाते ही है। और फॉर्च्यूनर में फर्स्ट टाइम चला रहा हूं, कभी ड्राइव नहीं की थी अभी तक। तो हम लोग निकल गए हैं टुवर्ड्स कारगिल, बीच में हमें ये पड़ा है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इस बार हमारा यहाँ पे आना हो नहीं पाया बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी था, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे काशी जरूर विजिट करेंगे और लंगर भी लेंगे यहाँ पे। डन डन। जो ये नीचे से रास्ता जा रहा है वो जंस्कार के टुवर्ड्स जा रहा है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे ना आकाश? नहीं नहीं, हम लोग कारगिल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कारगिल की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो बीच में आपको डिवाइडर दिख रहे हैं वो वाले साइड से जो रोड जा रही है दैट इज टुवर्ड्स जंस्कार वैली, और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स कारगिल। बट जंस्कार वैली का रूट भी जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारे लिस्ट में है वो, सो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। डन डन। मिलिट्री एरिया भी हमने एंटर किया, आपको अगर ऊपर दिख रहा होगा तो देखो जरा, मैंने कहां इतना ऊपर जाके वो लगाया यार, बंकर किया हुआ है पूरा ऊपर होगा। राइट राइट। ये देखो कहां पर है वो एरिया, ये देखिए कितने बैक टू बैक मिलिट्री के ट्रक्स जा रहे हैं। कारगिल जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे मिलिट्री की ये बहुत सारे एक्टिविटीज देखने लगी हमें। हाँ सही में बहुत सारा ट्रक जा रहे हैं। यस एंड गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड कारगिल। कारगिल अभी 100 किलोमीटर बाकी और हमने यहाँ पे एक टी कॉफ़ी ब्रेक लिया और इन लोगों को भूख लगी थी तो आरोर प्रणय खा रहे राजमा चावल और बाकी लोग चाय कॉफ़ी। सो आज कैसे लग रहा है? अभी जी ड्राइव कर रहा है फर्स्ट टाइम, ज़रा आपका ये बताइए हमें। ये दोनों हंस रहे, अभिजीत ने पूरी ट्रिप में ड्राइव नहीं किया था, अभी डस्टर में वो लोग हैं ना तो डस्टर सुबह से अभिजीत ड्राइव कर रहा है। ज़रा बताइए बताइए कैसे लगा अभिजीत के ड्राइविंग में? और साहब का लुक भी एकदम हैंकी, अभी लगा ये बस ड्राइवर। टाइम अभी 6:30 हो गया है एंड हमें और आधा घंटा है
कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने में, एंड थोड़ा शाम भी हो ही गई है, मतलब सनसेट हो गया है यहाँ पर. सो हम लोग अपनी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जाके एटलीस्ट देख सके क्या जगह है, वो विजिट कर सके अच्छे से. 6:52 हो रहे हैं एंड वी हैव रीच्ड कारगिल वॉर मेमोरियल. मुझे यही चाहिए था कि सनसेट होने से पहले यहाँ पे पहुंचना था. लास्ट 2 घंटे से 100+ से गाड़ियां खींच रहे हम लोग ताकि सनसेट से पहले यहाँ पे पहुंचे और फाइनली पहुंच गए. सो ये हम कारगिल द्रास में आ गए हैं. जो कारगिल वॉर मेमोरियल है ये द्रास में है. और ये देखिए सामने जो दिख रहा है आपको, ये वीर भूमि यहाँ पे बनाई हुई है. एकदम पास जाके दिखाते हैं. कारगिल वॉर में जो लोग शहीद हुए हैं उनके याद में ये बनाया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे अंदर एक म्यूजियम है बट अंदर फोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है, सो हम लोग वो शूट नहीं कर पाएंगे. चलते हैं. जस्ट अभी हम लोग म्यूजियम से बाहर आ गए और अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिले कि कंप्लीट घूस बम्स आ जाते वो देखते देखते. मतलब उधर सारी डिटेल्स की कौन कौन शहीद हुआ था, उनकी फ़ोटोज़ कैसे हुए थे शहीद, जो भी पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के जो भी छोटे मोटे एक्सर्प्ट्स मिलते हैं वो सारे उन्होंने पिक करके यहाँ पे म्यूजियम में लगा रखे हैं. वहाँ का एक फ्लैग लगा रखा है और पूरी स्टोरी शेयर की है उन्होंने. बहुत सारे जवान जिस दिन जंग को गए थे वो दिन जाने से पहले उन्होंने लेटर लिख के रखा था और वो लोग वहाँ पे ही शहीद हो गए. वो उसके फोटो प्रिंट्स भी यहाँ पे है. बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये सब देखना. मतलब बाकी फिर AK-47 गन्स, फिर हेलमेट्स, ग्लोव्स या फिर बाकी बॉम्ब्स के कुछ पार्ट्स वगैरह, हाँ वो सब अंदर रखा हुआ है. फिर पाकिस्तान का फ्लैग जो उनसे कैप्चर किया हुआ है वो भी वहाँ, हाँ वहाँ पे लगाया हुआ है. बट बहुत अलग एक्सपीरियंस था. मतलब मैंने सोचा नहीं था यहाँ आके ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी. फर्स्ट टाइम हम लोग आए और ये सब देखा, इसके पहले कभी आना नहीं हुआ था यहाँ पे. अभी टाइम हुआ है 8 PM बट अभी भी यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है. ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है सब कुछ. लाइट्स ऑन किए हैं बट फिर भी उजाला है. देखिए कितना सब जगह पे. सो वॉर मेमोरियल देख के हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ से अभी हम लोग हमारा होटल लेंगे, वहाँ पे सेटल करेंगे. सो चलते अभी निकलते. Yes. चलो. सो हम लोगों ने स्टे किया है कारगिल वॉर मेमोरियल के पास. वॉकिंग डिस्टेंस है ना यहाँ से 500 मीटर रहेगा टूवर्ड्स श्रीनगर. टूवर्ड्स श्रीनगर. तो अभी रात हम यहाँ पे रुकने वाले हैं बट यहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. बहुत कम है. राइट. सो अभी लिए हमने रूम्स, अभी रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे. अब मिलते हैं कल सुबह जब हम निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए. सो अभी के लिए बाय. गुड मॉर्निंग गाइज. हम लोग निकल गए हैं कारगिल से टूवर्ड्स श्रीनगर. टाइम हो रहा है 7:43 एंड अच्छी मॉर्निंग हो रही है ना, एकदम एकदम फ्रेश फील हो रहा है. सो यहाँ से निकल गए हैं और अब जाएंगे हम लोग टूवर्ड्स श्रीनगर. 4 hour का ट्रैवल डिस्टेंस है. 4 hour का यहाँ से डिस्टेंस है. तुम क्या 8 बज रहे ना, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे. 12 बजे तक पहुँच जाएंगे. वहाँ पे होटल लेंगे और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या करने वाले हैं.
यहाँ पे चेक पोस्ट है क्या? हाँ, चेक पोस्ट ही लग रहा है। कारगिल यहाँ से शायद एंड हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ दिखाई देगा। थैंक यू, विजिट अगेन। यस। सारे आर्मी के ट्रक्स दिख रहे हैं अपने सामने। भाई साहब, लाइन से इतने मिलिट्री के ट्रक्स। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं जोजिला पास। ऑल्टीट्यूड है 11,649 फीट अबव सी लेवल। और यहां से अब हम एंटर कर रहे हैं कश्मीर वैली। चलो, गाइस, कश्मीर में हम लोग आगे एंटर हुए हैं और हमारा स्वागत हुआ है वाटर क्रॉसिंग से। सो अभी वो पार करना है, बट उसका फ्लो देखो पानी का, आपको दिखेगा यहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा है पानी का। अभी हम लोग श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं और रोड से नीचे देखिए हमें क्या दिखा। ये अमरनाथ यात्रा जाने वाले लोगों के सारे टेंट्स है। ये देखिए वो सारे टेंट्स और ये सारे टेंट्स। ये देखो यहाँ अमरनाथ कैंप के पास ये हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं जो यहाँ से लेकर जाते हैं लोगों को ऊपर। ये देखो और एक आ गया हेलीकॉप्टर। सो गाइस, श्रीनगर 81 किलोमीटर दूर है एंड द व्यू इज सो ब्यूटीफुल। लुक एट मी समटाइम्स लाइक ऑल at Srinagar, finally, हमारे सामने है डल लेक। लग नहीं रहा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर गाड़ी लेके पहुंच गए हम लोग। कितना किलोमीटर ट्रेवल हो गया काश? अभी तक किलोमीटर हुए हैं घर से निकल के 3,445। माय गॉड, सबसे पहले श्रीनगर आके हम लोग आए हैं लंच करने सनसेट बुलेवार्ड रेस्टोरेंट में, बिकॉज भूख लग रही थी बहुत नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले खाते हैं। चलो बस हो गया आपका, आ जाओ। और हमारा फूड आ चुका है, ये है मटन सीख कबाब। इन्होंने स्पेशल यहाँ का वाजवान थाली ऑर्डर किया है दोनों ने। इसमें बहुत कुछ मटन चिकन मिक्स दिख रहा है, ये कबाब भी है, अलग अलग स्टार्टर्स है उसमें, तंदूरी भी दिख रहा है और नीचे राइस और ये रसात है उसके साथ। चलो भाई, चलो टूट पड़ो। और ये आ गया हमारा मेन कोर्स, बटर चिकन, आलू का बटर चिकन, नान, नान रोटी, बिरयानी और मेरी मटन बिरयानी। ये देखिए कितनी चीजें ऑर्डर हुई थी
और सब सुपड़ा साफ हो गई है। इन तीनों ने खत्म की है ज्यादातर, ये देखो। नो ये दोनों अभिजीत ने बेचारे ने पूरा वेज खाया है। सो चलो अभी जहां हम लोग स्टे कर रहे हैं उस तरफ जाते हैं। सो ये तो रेस्टोरेंट सनसेट बुलेवार्ड जहां पे हम लोगों ने अपना लंच किया एंड इतना टेस्टी खाना बहुत रेयरली कहीं तो मिलता है, बहुत हमने खाया है। मतलब यहाँ तक खाना है, मुझे नहीं लगता कि आधे लोग रात को डिनर करने वाले हैं। आपका क्या कहना है मंत्री जी? मतलब अभी हमने सब ट्राई किया, मटन ट्राई किया, कबाब ट्राई किए, चिकन ट्राई किया, मतलब तंदूरी वगैरह, उसके बाद बिरयानी ट्राई की, सब ट्राई किया, बटर चिकन ट्राई किया। सो अगर आप लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हो श्रीनगर में, सो प्लीज यहाँ पे आओ, मस्त खाना खाओ सनसेट बुलेवार्ड। मतलब यार शुरुआत हम लोगों ने की महाराष्ट्र से और पहुंच गए हम लोग श्रीनगर। डल लेक के बाहर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को तो सही में भरोसा ही नहीं हो रहा है। सो गाइस श्रीनगर में हम लोग पहुंच गए हैं, लंच वगैरह हो गया है और अब देखो हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। टाटा। हम लोग अभी शिकारा में हैं, यहां से हम लोगों ने एक हाउस बोट लिया है और वहां पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। सो आधे लोग आ गए हैं सामान के साथ और बाकी के आधे भी आने वाले हैं, तो हम लोग हाउस बोट में स्टे करने वाले हैं। ये ऐसे हाउस बोट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। ये हमारे हाउस बोट होने वाले आज के लिए यहाँ पे। ये ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ ऐसी छोटी बोट्स यूज की जाती है। अच्छा शिकारा, शिकारा बोलते हैं इनको। सो वहाँ पे मेन रोड है, वहाँ पे हमने कार पार्क की है और वहाँ से शिकारा से आए और ये हाउस बोट है हमारी। सो गाइस ये रहने वाला है हमारा आज का हाउस बोट, मैं आपको इसका अंदर से टूर देती हूँ। ये है यहाँ का लिविंग एरिया। ये देखिए शाम को यहाँ से जो बाहर का व्यू होता है बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखिए और ये है हमारा डाइनिंग स्पेस। एंड यहां से है हमारे रूम्स। ये है एक रूम, अभी मैं हमारे वाले रूम का टूर दे देती हूँ। ये है हमारा रूम जिसमें मैं आकाश प्रणय रहने वाले हैं और ये साथ में है अटैच्ड हमारा चेंजिंग रूम एंड हियर इज द वॉशरूम। इसकी लाइट कहां से है, ये देखिए सब लोग अभी रिलैक्स कर रहे हैं ये रूम में बड़े वाले। सो कैसा लगा शिकारा की टूर हाउस बोट तक आने तक? आप ही जितने सबसे ज्यादा मजे के ऐसा मैंने सुना है। पहले देखो एक शिकारा में था कौन कौन? हाँ हाँ, एक पहले वाले शिकारा में मैं, आरू और भाभी, हम तीनों ही आए और थोड़ा सा सामान, और दूसरे वाले शिकारा में आशु, प्रणय, अभिजीत भैया और सामान। शुक्र है कि आप लोग पहुंच गए, मैं बोलूंगा यहाँ तक। दोनों साइड से हम एक साइड बैलेंस हो गया था, भैया बीच में हंसने लगे तो भी ऐसे ऐसे करता था। चलिए हम अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तब मिलते हैं। सुबह हम लोग बहुत जल्दी निकले थे, सो कोई भी नहाया नहीं था, कारगिल से अर्ली मॉर्निंग निकले थे ना। सो यहाँ पे आए, चेंज वगैरह किया, रेडी हो गए सब और अभी वापस बाहर निकल रहे श्रीनगर में घूमने के लिए। बट यहाँ से हाउस बोट से निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, बस व्यू देखिए। यहाँ पे अभी सारे लोग फोटोज़ क्लिक करें अपनी अपनी, बट यार व्यू देखिए कितना बढ़िया है। ये हमारी हाउस बोट है और एग्जैक्ट सामने। देखिए अभी हमारे हाउस बोट के पास फ्रूट्स आए हैं, सो हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट
कितना अलग एक्सपीरियंस है ना ये सच में यार। अभी एक्सपीरियंस ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ बैठो पानी से खा लो और एकदम फ्रेश फ्रूट्स दिख रहे हैं। हमारी शिकार कब आएगी? ये अभी पानी से जो बोट आई थी उससे ये फ्रूट चाट लिया है। और क्यों नहीं उठा रहा था? कैसा है फ्रूट चाट? यम यम। ये देखिए ऑल टाइप्स के फ्रूट्स हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने आने के लिए ये इसको शिकारा बोलते हैं। अभी इससे हम लोग वहाँ जाएंगे। सो हम लोग निकल गए हैं शिकारी की राइड करने के लिए तीनों। कैसे लग रहा है बाबा? थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हिर लग रही है। अरे तो बहुत ज्यादा डर रही है क्योंकि मेरे साथ ये दो जन हैं। क्यों नहीं डरोगे? बड़े एकदम मस्त कंफर्टेबल है। आरु दिखाओ जरा। हां मस्त कंफर्टेबल। नहीं ऐसे शॉप्स भी आते रहते हैं आजू बाजू में। अब हम लोग एंजॉय करते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। Okay. इतना बढ़िया लग रहा है ना कि शाम के टाइम पे ये देखिए सनसेट का टाइम हो गया है। और ये मैडम देखिए कहाँ जाके बैठी है। बहुत ज्यादा सुंदर व्यू है एंड शिकारे में बैठ के बोट राइड करने में तो मजा ही आ गया। यस बाकी यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभिजीत और आशु बैठे हैं और भैया और चीकू उधर है। और इस साइड भैया और चीकू है ये शिकारा पे। तो गाइज हम लोग वापस आ गए हैं बोट राइड करके। हम चार जन वापस आए हैं। बाकी लोग अभी कुछ तो कार का काम था उसके लिए आकाश भैया और अभिजीत बाहर हैं। एंड यहाँ से पहले व्यू देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। ये शाम का व्यू देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये शिकारा यहाँ पे आया है। यहाँ से हम लोग तंदूरी आइटम्स ले रहे हैं स्टार्टर। वो अभी अंदर जाके दिखा दे क्या ले रहे हैं वो। तो ये आए हैं दोनों। क्या क्या लेकर आए बताओ जरा। पनीर मटन चिकन यम यम ले आओ। सो गाइस रात को हम सबने बहुत मजा किया। सबने डिनर किया और उसके बाद बातें करने बैठ गए और कब टाइम निकल गया किसी को पता नहीं चला। सो उसके बाद सारे थक गए थे सो गए थे। अब आज हम लोग निकलने वाले हैं मैं आकाश और प्रणय वापस निकलने के लिए। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।